तो दोस्तों जैसे कि अभी आप एक चैनल देख पा रहे हैं जिसका नाम है सोनू जी टेक्निकल। अब इनकी अगर हम वीडियो को देखते हैं तो इसमें देखेंगे बहुत सारे आपको फोन नए नए डिजाइन के देखने को मिलते हैं। अब ये जो वीडियो एडिट करते हैं वो भी करते हैं काइन मास्टर की मदद से, ठीक है। इनका कोई भी वीडियो देखोगे आप तो इसमें बहुत सारे स्टाइलिश जो फोन हैं, टेक्स्ट जो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि आपको ये नहीं पता होगा कि नए फोन जो है काइन मास्टर में कैसे ऐड करना है, तो चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए। 100% आपको मैं बताने वाला हूं कि कहां से आपको फॉन्ट जो है डाउनलोड करना है, यानी कि 81,000 से ज्यादा फॉन्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां से फ्री में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं फॉन्ट को और अपने काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको चलना होगा गूगल क्रोम पे, यहां पर आपको टाइप करना होगा द फॉन्ट, ओके। तो यहां पर देख सकते हैं द फॉन्ट है, ठीक है, अभी ये आ चुका है। अभी इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है, जूम करके मैं दिखा देता हूं, लिखा हुआ द फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहां पर बहुत सारे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, हमने कहा था 81,000 से ज्यादा फॉन्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 81,845 फॉन्ट जो हैं आपको मिलते हैं, जो कि यहां पर आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। अब देखिए कैसे आपको यहां पर चूज करना है, यहां पर आपको दिख रहा होगा सर्च बार, अगर किसी टेक्स्ट या फॉन्ट का नाम याद है आपको तो यहां पर आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप यहां से सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर फैंसी मिलता है आपको, फॉरेन लोक मिलता है, टेक्नो मिलता है, बेसिक मिलता है, स्क्रिप्ट मिलता है, होलिड मिलता है, बिटमैप मिलता है, तो यानी कि बहुत सारे फॉन्ट जो होते हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। सपोज दैट अगर हमें यहां पर ब्रश वाला फॉन्ट चाहिए तो हम यहां पर देखिए स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ब्रश वाले पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर हमने जैसे ही क्लिक किया देख सकते हैं कि यहां पर ब्रश वाले जो हमारे फॉन्ट हैं बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस फॉन्ट को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं ऊपर वाला जो फॉन्ट है ग्रेनेस्टा करके, इसको डाउनलोड करके दिखाता हूं। सिंपली डाउनलोड करने के लिए यहां पर डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए अभी हमारा फॉन्ट जो है डाउनलोड हो चुका है, अब आपको यहां पर बंद कर देना है इसको, ठीक है। अब चले जाना है आपको अपने फोन में और यहां पर जो ऐप की फाइल होती है, ठीक है, वहां पर माई फाइल जो होती है वहां पर आपको चले जाना है। देन जैसे ही आप जाएंगे यहां पर, उसके बाद जो है आपको यहां पर डाउनलोड वाला ऑप्शन आपके फोन में दिख रहा होगा, यहां पर आपको चले जाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप जाएंगे यहां पर देखिए सबसे ऊपर ही टॉप पे ही आपको दिख जाएगा जो कि एक जिप फाइल दिख रही है जो हमने फॉन्ट डाउनलोड किया है, तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो अपनी फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जस्ट वन पर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है, फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आ जाएगी, यहां पर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद जो है दोबारा से हम यहां पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब देखिए यहां पर जो है हमें नाम याद कर लेना है फॉन्ट का, जैसे लिखा हुआ है ग्रेनेस्टा, ठीक है, तो हम यहां पर इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली हम काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही काइन मास्टर को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद जो है यहां पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा और यहां पर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही क्रिएट करेंगे यहां पर फिर से क्रिएट कर देना है। अब यहां से आपको जो भी फाइल है वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, मैं यहां पर इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके। तो देखिए हमारा इमेज आ चुका है। देन उसके बाद आप क्या करना है, यहां पर लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पर दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट टी दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहां पर जो भी आपको लिखना है सबसे पहले वो लिख लेना है, तो हमने लिख लिया फॉन्ट कैसे ऐड करें, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहां पर दिख रहा होगा आपको कि अभी जो है एक्चुअली में व्हाइट ही है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, ओके। अब देखिए यहां पर फॉन्ट क्या दिख रहा है आपको, अभी ये नॉर्मल आपको फॉन्ट दिख रहा होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि ये जहां दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ए फॉन्ट, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहां पर कुछ चीजें मिलती हैं देखने को, जैसे मिलता है फेवरेटीज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लैटिन लिखा, माई फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो चले जाना है माई फॉन्ट पे क्लिक करना है। देखिए हमने ऑलरेडी कुछ फॉन्ट जो है अपने फोन में ऐड कर रखा है, ठीक है, तो अब आपको हम
प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि कैसे आपको ऐड करना है। यहां पर देखिए आपको प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। और यहां तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्लस पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही हमने प्लस पे क्लिक किया, हमारे फ़ोन के स्टोरेज पे ले जाएगा, और यहाँ पर हमें डाउनलोड पर चले जाना है। ठीक है, डाउनलोड पर आ चुके हैं। देखिए सबसे ऊपर ही यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट जो है दिख गया है जो हमने डाउनलोड किया है। मैं बैक करता हूँ, एक्चुअली में ये ज़्यादा ही हो चुका है। ग्रेनेस्टा आपको दिख रहा होगा फ़ॉन्ट, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्रेनेस्टा आपने एक्सट्रैक्ट किया था फाइल को, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक बार प्रेस करके रखिए, टिक हो जाएगा। दोबारा से दूसरे फॉन्ट को सेलेक्ट करिए, वो भी टिक हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए हमारा जो फाइल है वो ऐड हो चुका है। लिखा हुआ है कंप्लीट, यू कैन फाइंड द इंस्टॉलेड फॉन्ट बाय गोइंग टू फॉन्ट माई फॉन्ट, यानी कि माई फॉन्ट में हमारा जो फॉन्ट हमने ऐड किया हुआ वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ गया हुआ है। ये देख सकते हैं नीचे जो है हमारा फॉन्ट ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए आपको टिक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे हमने टिक किया, देखिए हमारा फॉन्ट जो है ये ऐड हो चुका है। अब इसको हम जहाँ चाहें वैसे ही यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप जो है काइनमास्टर में फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए मेरे दोस्तों, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।